रेव्यू मेनू के इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ एक्सेल में, ये एक्सेल है ठीक है, एक्सेल में रेव्यू मेनू होता है। और प्रोटेक्ट सीट क्या करते हैं हम उसको देखते हैं, यानी अगर हमारे पास डेटा है, डेटा हम चाहते हैं कि इसमें कोई चेंज ना करे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सीरियल नंबर, कोई डेटाबेस में बना दो, यहाँ पर लिख दिया मैंने सैलरी ठीक है, यहाँ पर लिख दिया स्टाफ नेम डेसिग्नेशन ठीक है। अब चाहते हो कि यहाँ पे लॉक लगा दिया जाए सीधा सीधा, तो क्या करो प्रोटेक्टेड सीट पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्टेड लॉक अनलॉक है। एक चीज़ ख्याल रखना, फॉर्मेटेड सेल पे भी लगा सकते हो, यानी कलर वगैरह कोई चेंज ना कर पाए, कॉलम पे लगा सकते हो, रो पे लगा सकते हो, डिलीट ना कोई कर पाए, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों पे लगाना है, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड पे। मैंने पासवर्ड लगा दिया 123 ठीक है। इसके बाद क्या करना, अब इसको हमें क्या करना होगा, सेव तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम जैसे प्रेस करेंगे ना, पूछेगा यहाँ पर कि द सेल्ट और चार डेट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड देयर फॉर रीड ओनली, केवल पढ़ सकते हैं, कुछ चेंज नहीं पाएगा ठीक है। अब क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट जब करोगे ना तो भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, इंटर किया। अब देखो यूज़ करो, समझ में आया। अब मान लो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाओ, आपने कुछ कर दिया क्या, फॉर्मेट मतलब डिज़ाइन वगैरह कर लिया, ओके करो। अब देखो ध्यान दो, हम चाहते हैं ना कि सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग पे प्रोटेक्शन लग जाए, तो रिव्यू पे जाओ क्लिक करो, यहाँ लिखा है क्या फॉर्मेट सेल, इसको हटा दो, इस सब को हटा दो, आपने केवल फॉर्मेट सेल लगाना है, पासवर्ड लगा दो 123, एक पासवर्ड सेट कर दिया। अब देखो ध्यान देना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्या होगा, पूरा पूरा लॉक हो गया ठीक है। यहाँ पर हम बस केवल कमेंट को पढ़ सकते हैं, देखो यहाँ कमेंट जब जाओगे ना तो कमेंट को केवल पढ़ सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करो, वापस जाओ, इसको अनप्रोटेक्ट करो ठीक है, वापस रिमूव कर दो। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लिखा है प्रोटेक्टेड वर्कबुक, इसको चेक करते हैं, क्लिक करो, ये पूरे पूरे वर्कबुक पर लगा देगा, यानी जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं शीट, इसको चेंज कर सकते हो ना, रीनेम वगैरह करना हो, नाम लिख दो, प्रैक्टिस वगैरह ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो शिफ्ट F11 करके ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F11। अब क्या करो, यहाँ लगा दो शेयर सॉरी प्रोटेक्टेड वर्कबुक, जाओ लगा दो पासवर्ड कि इस पे भी कोई बंदा मेरी शीट को ना डिलीट करे और ना रीनेम कर पाए ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब कोई बंदा क्लिक किया, देखो यहाँ पे सब हाइड हो गया ऑप्शन ठीक है, हाइड ऑप्शन हो जाएगा, अब यहाँ पे नया सीट भी नहीं ले सकता बंदा कोई भी ठीक है। एक चीज़ और ख्याल रखो, एम एस एक्सेल के जो फाइल होता है, फाइल को बोलते हैं वर्कबुक, और जो पेजेस होते हैं, पेजेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, पेजेस को शीट बोलते हैं ठीक है ना। और एक्सेल क्या होता है, एक्सेल एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है ठीक है। आगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्टेड वर्कबुक कम्प्लीट होगा। इसके बाद बात करेंगे हम शेयर वर्कबुक का, ये जो ऑप्शन है शेयर बुक, शेयर वर्कबुक वाला, इसका सेशन मैं अलग लेके आऊँगा, ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक रहेगा ये ठीक है, तो इसको हम अलग सेशन में कवर करेंगे।